जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो पे जो इमोशंस से जुड़ा हुआ है और इमोशंस से ही हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, दशा क्या कर रही हैं, उनका ध्येय क्या है, कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, संतान से कोई चीज पूछनी हो, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं, आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। इनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, अवश्य सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पर मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल के थ्रू कोर्स का पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे जीवन में जो भावना है, इमोशंस हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। हम कोई चीज़ खरीद लेते हैं, कोई चीज़ परचेज कर लेते हैं अपने जीवन में, वो एक अलग बात है, लेकिन उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, हमारी भावनाएं उस चीज़ों को लेके क्या रहती हैं, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। हमारा विवाह होना एक अलग विषय है, और विवाह होने के बाद जो हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस मैरिज के साथ, विवाह के साथ, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, वो एक बिल्कुल अत्यंत आप समझ लीजिए सेपरेट विषय है। तो देखिए, भावना मैं आपको बता दूं, हमारी पत्रिका में तीन स्थानों से देखा जाता है, चौथा स्थान, अष्टम स्थान और बारहवां स्थान। ये स्थान हमारे भावनाओं से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है ये तीनों स्थान। इनको मोक्ष त्रिकोण भी कहा जाता है, और भावनात्मक पक्ष से भी ये तीनों हाउसेस हमारी पत्रिका के इंपॉर्टेंट हाउसेस होते हैं, चौथा, अष्टम और बारहवां। अच्छा, उसी के साथ साथ तीन साइन भी होते हैं या तीन राशियां भी होती हैं जो भावना से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये तीनों राशि हमारे इमोशंस या भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, या ये वीडियो ये किस संदर्भ में है? देखिए, वीडियो का जैसे शीर्षक है कि हमको हैप्पीनेस है, हमारा भावनात्मक हमको खुशी कहाँ से मिलेगी, हमको कहाँ से उसका सहयोग मिलेगा, कहाँ से हमको उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भावनाओं को लेके, ये उन चीजों के बारे में देखिए वीडियो है। अगर हम उन चीजों को समझ जाते हैं तब हम उन चीजों में रियलाइजेशन होना, मैं सदैव कहता हूं ज्योतिष के संदर्भ से कि देखिए, चीजों का मालूम हो जाना अपने में ही एक बहुत बड़ा उपाय है। उपाय तो बाद में आते हैं कि हम ये पूजा कर लें, ये मंत्र कर लें, ये चीजें कर लें, लेकिन हमको पता चल जाए किसी चीज के बारे में, मैं सदैव ये चीज कहता हूं कि वो सबसे बड़ा उपाय है, ये चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, जो फोर्थ हाउस है हमारी पत्रिका में, या जो कर्क राशि है, ये दोनों, एक फोर्थ हाउस और कर्क राशि आपकी पत्रिका में जहां पे भी पड़ती होगी, और फोर्थ हाउस तो बट नेचुरल है, फोर्थ हाउस हमारी पत्रिका में चौथे स्थान में ही रहता है। अब आप ये देखिए, ये जो दोनों चीजें हैं, ये हमारे लिए एक मदरली लव, जो एक माता और एक बच्चे के बीच में प्रेम होता है, ये उस चीज को दर्शाता है। एक तो चौथा स्थान और दूसरी कर्क राशि हमारी पत्रिका में, ये उस प्रेम को दिखाती है जो बड़ा निश्चल होता है, जो बड़ा सात्विक होता है, जैसे एक माँ अपने पुत्र से करती है, पुत्री से करती है। तो ये एक बहुत ही, आप यूं कह सकते हैं, सात्विक, एक बहुत एनलाइटेड, एक प्रकार की हैप्पीनेस या एक भावना, एक इमोशन जुड़ी होती है कर्क राशि से और चौथे स्थान से। तो यहां पे आपकी पत्रिका में चौथे स्थान का स्वामी जहां पर भी जाएगा, वो बताता है कि वहां से हमको नेचुरल हैप्पीनेस प्राप्त होगी, नेचुरल इमोशनल हैप्पीनेस प्राप्त होगी, भावनात्मक खुशी हमको वहां से मिलेगी। एक हैप्पीनेस होती है कि हम कहीं गए, हमने कुछ सामान खरीदा,
हमने कुछ किया और हमको उससे खुशी प्राप्त हुई। एक खुशी होती है, एक आनंद होता है जो हमारे साथ अंदर तक रहता है, या जो वो हमको अंदर से खुशी प्रदान करता है। तो चौथे स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां कहीं पे भी बैठा होगा, आपको इमोशनल हैप्पीनेस प्रदान करेगा, भावनात्मक हैप्पीनेस प्रदान करेगा, या वो एरियाज हैं जहां से आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। चौथे स्थान का स्वामी उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि मान लीजिए वो नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में। अब आपका जो इमोशनल हैप्पीनेस है, एक स्टेबिलिटी है, एक भावनात्मक खुशी है, आपको कहां से प्राप्त होगी? विजडम की बातें सुनने में, पढ़ने में, करने में, धर्म में, स्पिरिचुअलिटी में, किसी प्रकार का ज्ञान लेने में, तीर्थ में, किसी भी प्रकार की इस तरीके की बातों में जो फिलॉसफी से जुड़ी हुई हैं, एक जिसको कहा जाता है ना स्थायित्व से जुड़ी हुई है। हल्की बातों में आनंद नहीं है। आनंद तो फिर उसी में आता है कि कोई भागवत चर्चा हो रही है, लोगों के उत्थान के लिए चर्चा हो रही है, बड़े बड़े विषय जिसको कहते हैं हमको जीवन में एक भावनात्मक हैप्पीनेस प्रदान करते हैं। पिता की सेवा, गुरु की सेवा, धर्म की सेवा, तीर्थ यात्राओं में जाना, मंदिर में बैठ के मन एक बहुत अंदर से शांति पाता है। आप देखेंगे फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ में बैठा होता है तो ये एक वहां पे हमको उसी तरीके का प्रेम, एक उसी तरीके की भावनात्मक खुशी प्राप्त होती है जैसे कि एक संतान और माँ के संबंध से होती है, प्रेम से होती है, जो बिल्कुल सात्विक होता है, बहुत आनंदमयी होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका नाइन्थ में बैठा है तो पिता के थ्रू, गुरु के थ्रू, लर्निंग्स के थ्रू, इन चीजों लोगों को एजुकेशन देने के थ्रू भी आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे नाइन्थ हाउस हमारा ट्रैवलिंग का भी है, फॉरेन का भी है, बहुत सारे कल्चर्स को पढ़ने का भी है, जानने का भी है। उन चीजों को जान के हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा हुआ है, आप सोचेंगे हम बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में और हम पढ़ रहे हैं कहीं पैलेसेस के बारे में, इंग्लैंड के या रशिया के चर्चेस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी चीजों के बारे, तो एक अंदर से आनंद प्राप्त होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, एक भावनात्मक खुशी मिलती है आदमी को, यहाँ बैठे बैठे आनंद मिलने लग जाता है जैसे, तो वो एक नेचुरैलिटी है। तो आप जान सकते हैं कि अच्छा, हमारा जो भावनात्मक हैप्पीनेस है, हमारी जो इमोशनल हैप्पीनेस है, वो हमको इन चीजों से प्राप्त होने वाली है, और किसी चीजों में हमको उतना आनंद नहीं प्राप्त होगा। दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपके कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आपकी पत्रिका में वो कहाँ पे बैठा हुआ है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में जो चंद्रमा है कर्क राशि का स्वामी, वो भी बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, तब तो आप सोच सकते हैं कि आपके जीवन का जो एक इमोशनल हैप्पीनेस है वो सब और सब केंद्रित हो गई नाइन्थ हाउस की तरफ। धर्म, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग, लर्निंग, हर प्रकार का वो फिलॉसफी के विषय जो होते हैं, लोगों को समझाना, पढ़ाना, एजुकेट करना, काउंसिल करना, गाइड करना, ये सब चीजों में आनंद आएगा। आपको अंदर से फीलिंग आएगी जिसको कहा जाता है, आप इससे अपना चयन कर सकते हैं, प्रोफेशंस का भी आप इससे चयन कर सकते हैं, अपनी खुशी ढूंढने के लिए भी आप उस तरफ जा सकते हैं। तो यहां से आपको देखिए भावनात्मक हैप्पीनेस प्राप्त होगी। अब आपका मान लीजिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपको कहां से वो इमोशनल हैप्पीनेस कहां से आपको प्राप्त होगी, भावनात्मक जिसको कहा जाए, वो प्राप्त होगी आप मान के चलिए परिवार वालों की सेवा करके, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का है, हम परिवार की सेवा करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, धन एक्यूमुलेट करते हैं, अपने परिवार को विस्तार करते हैं, अपने परिवार का, परिवार के लिए हर प्रकार का सुख लेके देते हैं, हमको उसमें आनंद प्राप्त होगा, भावनात्मक खुशी प्राप्त होगी हमको। हम किसी प्रकार का लोगों को सुख कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, अंदर की शांति कैसे प्राप्त की जाए, उसके बारे में कुछ बताते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक्चुअली में आंतरिक शांति का है,
और वो सेकंड हाउस में अगर जाके बैठेगा, सेकंड हाउस हमारे स्पीच का है, बोलने का है। हम लोगों को अपने बोलने के द्वारा सुख प्रदान कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक एज अ काउंसल टीचर गाइड के रूप में काम कर सकते हैं। घर से रिलेटेड कि आप अपने घर को वास्तु कंसल्टेंट्स, घर को आप अपने कैसे और सुमधुर बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स हो वो दूर कर सकते हैं, उन चीजों को करने से आपको यहाँ पे एक इमोशनल खुशी मिलेगी, एक आनंद मिलेगा, एक आत्मिक आनंद मिलेगा। चौथा स्थान हमारे स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, मोक्ष का पहला स्थान है ये। आप ये कह सकते हैं अगर उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो किसी प्रकार की लोगों को प्रीचिंग देना, उन चीजों के बारे में बताना, हर प्रकार के स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान के बारे में बताना, एजुकेट करना उनको उन चीजों के बारे में, वो भी आपको सुख प्रदान करेगा फैमिली के साथ साथ। तो आप यहां से समझ सकते हैं, आप अपनी पत्रिका में देखिए कि आपका चौथे स्थान का स्वामी कहां जाके बैठा हुआ है पत्रिका में, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा कहां जाके बैठा हुआ है। वो चीजें आपको जीवन में सुख प्रदान करेंगी, इमोशनल आपको अंदर से भावनात्मक स्टेबिलिटी प्रदान करेंगी। पंचम स्थान में चौथे स्थान का स्वामी बैठा हुआ है, एक और उदाहरण आपको लास्ट में दे रहा हूं चौथे स्थान से संबंधित, पंचम स्थान में बैठा हुआ है, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी के काम करने, किसी भी प्रकार के मंत्र पूजा इन सब तरीकों में भी, क्योंकि पंचम स्थान जो है मंत्र का होता है, पूजा का होता है, तंत्र का होता है, उन चीजों से रिलेटेड आपको आनंद आएगा, उसमें आपको स्टेबिलिटी, इमोशनली अच्छा आप फील करेंगे। संतान से रिलेटेड कोई भी प्रकार का इंटरटेनमेंट है, क्रिएटिविटी है, किसी भी प्रकार का आप ये मान लीजिए वो कार्य जो हमारे धन को बढ़ाते हैं, क्योंकि पंचम स्थान देखिए स्पेकुलेशन से रिलेटेड है। चौथे स्थान का स्वामी अगर पंचम में बैठा होगा तो वो चीजें भी आपको अंदर से आत्मिक आनंद प्रदान कर सकती हैं। अगर आप किसी के लिए फाइनेंशियल गाइड या कंसल्टेंट बनते हैं किसी रूप के लिए, वो भी बहुत उत्तम बात है। बच्चों के लिए काम करना किसी भी प्रकार का, तो आप समझ सकते हैं चौथा स्थान का स्वामी जहां जाके बैठेगा आपकी पत्रिका में, वहां से आपको एक इमोशनल आनंद, एक स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। अष्टम स्थान आपकी पत्रिका का क्या है या वृश्चिक राशि आपके लिए क्या है, ये देखिए। अष्टम स्थान कह लीजिए या वृश्चिक राशि हमारे इमोशन से जुड़ी है, भावना से जुड़ी है, लेकिन ये थोड़े से बहुत इंटीमेट हैं। ये एक बड़े सीक्रेटिव टाइप के इमोशंस होते हैं जो एक प्रेमियों के बीच में होते हैं, लवर्स के बीच में होते हैं, तो उसमें कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, कुछ अपनापन भी होता है, एक अंदर का लगाव होता है जिसको कहा जाए, जो कभी कभार बहुत एक्सट्रीम पे भी जा सकता है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो अष्टम स्थान है हमारी पत्रिका में, जो भी हो आपका अष्टम स्थान और वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन, हमारी पत्रिका में उस इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत इंटेंस है, बहुत एक्सट्रीम है जिसको कहा जाए, बहुत वोलेटाइल है जिसको कहा जाए। तो इससे हम क्या देखते हैं, इंस्टेबिलिटी, हमारी भावनात्मक जो इमोशंस जो हैं वो हमारे कब इंस्टेबल होंगे, किन किन चीजों की वजह से उनपे फर्क पड़ेगा। एक तो बताया मैंने पहले आपको कि कब आपको कहां से इमोशनल हैप्पीनेस अंदर से प्राप्त होगी, स्टेबिलिटी आपको प्राप्त होगी। दूसरा, आपको कब विपरीतता प्राप्त होगी, कौन कौन सी चीजें आपके इमोशंस हिला जाएंगी, भावनाएं आपकी हिला जाएंगी, वहां पे आपको परेशानी होगी। देखिए, अब आपकी पत्रिका में एर्थ हाउस का लॉर्ड जहां पे भी पत्रिका में बैठा होगा वहां से आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी प्राप्त होगी, वहां की धुरी हिलेगी और आप अपने भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ेंगे वहां पे, जिसको कहा जाए। एर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में मान लीजिए, तो अब आप समझ सकते हैं पैसे को लेके, वेल्थ को लेके, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, कई बार हमारी स्पीच को लेके, कई बार हमारे व्यवहार को लेके जो बाहर प्रदर्शित होता है लोगों के सामने, उसको लेके हमको जीवन में बहुत इमोशनल टर्मोइल रह सकता है। एर्थ हाउस का लॉर्ड मान लीजिए आपकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस कौन होता है, स्वयं, हमारा स्वयं का अस्तित्व होता है। अष्टम स्थान का स्वामी
जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी का कारण है, एक्सट्रीम वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा इंटेंस रिजल्ट प्रदान करता है, क्योंकि यहां पे भावनाएं बहुत ऊंची नीची होती हैं जिसको कहा जाए। अब वो फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है, कौन कारण होगा? हम स्वयं कारण होंगे, हमारी स्वयं की आदतें, हमारे स्वयं के डिसीजंस, हमारे स्वयं के कोई गलत काम, अच्छे काम, ये सारी चीजें हमको जीवन में बहुत तंग करेंगी। हमारी अपनी स्वयं की हेल्थ, हमारे स्वयं का अपना धर्म या अधर्म, देखिए एर्थ हाउस अधर्म का भी है, तो आप ये याद रखिए उसमें अधर्म की क्वालिटी भी है। तो ये अधर्म अगर फर्स्ट हाउस में जाके बैठेगा तो हम कोई अधर्म का काम कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में ये जो इमोशनल इनस्टेबिलिटी है हमेशा के लिए परमानेंटली घर कर सकती है। स्वयं हम इसके बहुत बड़े कारण होंगे, हमको अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी कि हम इस ऊंचाई निचाई को जो हमारे एक्सट्रीम्स हो रहे हैं भावनाओं में, आदमी कभी कहता है प्राण जा रहे हैं, कभी बहुत लो फील कर रहा है, कभी एकदम से बहुत एकास्टिक हो गया कि भाई नहीं बहुत आनंद है, ये दोनों जो धुरी हैं उनको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है यहाँ पे, और इन्हीं चीजों की वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। तो स्वयं कारण है। अब एट्थ हाउस का लॉर्ड मालूम पड़ा फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, इंस्टेबिलिटी का कारण क्या है इमोशंस की, हमारे दुख का कारण क्या है, प्रॉपर्टी, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनका किसी प्रकार के विचार आप कह सकते हैं, उनके टकराव, प्रॉपर्टी, आपके अपने अंदर की जो सोच है, एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ, कोई गलत सोच आ रही, विपरीत सोच आ रही है, ईर्ष्या आ रही है किसी के भी प्रति, आप ये कह सकते हैं वो इंस्टेबल कर सकती है। कोई ऐसे काम जो आप छुप के किसी को बिना बताए अपने घर में कर रहे हैं और बाद में आपके जीवन को वो बर्बाद करने वाले हैं, इस तरीके के काम आपको जीवन में, ये इमोशनल, आप फिर बाद में बैठ के सोचते हैं अच्छा वो काम हमने बैठ के उस समय अपने जीवन में किया, आज हमारा जीवन इस तरीके का हो गया, तो वो पीछा नहीं छोड़ती है, वो जो सोच होती है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उनसे फिर उपजती है, आदमी जीवन में स्थिर नहीं रह पाता है। अगर अष्टम स्थान का स्वामी चौथे में बैठा हुआ, माता के साथ हुआ कोई एपिसोड लाइफ में, प्रॉपर्टी के साथ, एजुकेशन के साथ, एट्थ हाउस जैसे मैंने आपको बताया है अधर्म से भी रिलेटेड है और बहुत वोलेटाइल है, वो जाके फोर्थ हाउस में बैठेगा, हो सकता है पढ़ाई के समय में, एजुकेशन के टाइम में समय व्यतीत हो रहा है मित्रों के साथ, किसी के साथ उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अब इससे क्या है, इमोशनल बहुत इंस्टेबिलिटी है हमारे लाइफ में। तो कौन सब प्लैनेट का यहां पे होगा देखा जाएगा, एट्थ हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठा हुआ है उस घर से संबंधित आपको समझ लीजिए इमोशनल टर्बुलेंस बहुत उठानी पड़ सकती है। और इसी के साथ साथ वृश्चिक राशि का स्वामी जो कि मंगल महाराज हैं, वो भी जहां पे भी जाके बैठे होंगे वहां पे भी आप मान के चलिए कि जो इमोशनल इंस्टेबिलिटीज हैं, ये टर्बुलेंस है, वॉलेटाइल एक एक्सट्रीम नेचर है, वहां वो शो हो सकता है, आप ये मान लीजिए दोनों चीजों में। तो ये यहां से हमको हमारी भावनाएं जो है दूषित होंगी, यहां से हमको छलनी होंगी, हमको यहां से बचाना होगा अपने आप को। फिर आता है देखिए लास्ट में ट्वेल्थ हाउस जो डिवोशंस का है, यहां पे कौन से इमोशन की बात होती है, यहां पे कौन से भावना की बात होती है, यहां पे देखिए बात होती है भक्त और भगवान की, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन है ये, देखिए जहां जो एक भक्त और भगवान के बीच में होता है, गोपाल और आपके बीच में होता है, ये हीलिंग प्रोसेस है, यहां पे हम उपचार पाते हैं जिसको यूं कहा जाए, ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड, पाइसिस से रिलेटेड, जो नारायण के चरणों को डिपेक्ट करता है, उनकी ओर इशारा करता है, ये ट्वेल्थ हाउस हमारी पत्रिका में और मीन राशि दोनों, ये जो है हमारे 12वें स्थान का स्वामी और मीन राशि, तो दोनों हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशंस को जो एक प्रभु में और एक भक्त में होता है, बहुत सात्विक, बहुत आनंद में, यहां देना ही देना होता है आप यूं कह सकते हैं। लेकिन हां यहां का स्वामी जहां पे भी जाके बैठेगा ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड का, या मीन राशि का स्वामी आपकी पत्रिका में जहां पे भी जाके बैठेगा, आप ये मान के रखिए ये दोनों स्थान से हमको इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, हीलिंग प्राप्त होगी जिसको कहा जाए, उपचार प्राप्त होगा यहां से हमको, मदद प्राप्त होगी,
ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा हुआ है, हमको हीलिंग कहां से प्राप्त हो सकती है, हमको उपचार कहां से प्राप्त हो सकता है, मित्रों से, कम्युनिकेशन से, राइटिंग से, भाई बहनों से, शॉर्ट जर्नी से, अपने स्वयं के द्वारा पुरुषार्थ करने से हमको जो है शायद वो जिसको कहा जाए ना उपचार प्राप्त होगा, हमको स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, हीलिंग प्राप्त होगी, यहां पे हम ठीक होंगे, यहां से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है हमारी पत्रिका में, मदर से, घर के कामों में लिप्त होके, घर में रह के माता जी के द्वारा किसी प्रकार की डीप एजुकेशन, अकल्ट साइंसेस, धर्म, ज्ञान, इन सारी चीजों से हमको एक इमोशनल हीलिंग प्राप्त होगी। यहां से हमारी माँ हमारा सबसे बड़ा सबल हो सकती है। ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हो तो हमारी माँ जो है वो बहुत इंट्यूटिव, बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल हो सकती है, ज्ञानवान हो सकती हैं, वो हमको एक भक्ति के, एक धर्म के पथ पे ले जा सकती हैं जीवन में, या वो हमको उस ओर ले जा सकती हैं, या वो हमको उस ओर का रास्ता दिखा सकती हैं। तो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठा होगा वहां से आपको इमोशनल हीलिंग प्राप्त होगी, कंटेंटमेंट प्राप्त होगा, संतोष प्राप्त होगा, आप यूं कह सकते हैं। वहां से आप अपने आप को डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, वहां से आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं अपने भावनाओं के बारे में। हमारी भावनाएं किसी तरीके से दूषित हो गई हैं, हमारी भावनाएं किसी तरीके से कुचली गई हैं, टूटी हैं, हमको कहां से सबल प्राप्त होगा, हमको कहां से उस चीज के लिए फिर से उठ खड़े रहने का एक हीलिंग, एक प्रोसेस प्राप्त होगा। जहां पे आपके बारहवें स्थान का स्वामी बैठा है, जहां पे आपकी पत्रिका में मीन राशि का स्वामी बैठा हुआ है, मतलब बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, वहां से आपको उन चीजों के द्वारा आपको हीलिंग प्राप्त होगी। बारहवें स्थान का स्वामी उदाहरण के तौर पे पहले स्थान पे बैठा हुआ है, आपको कहां से प्राप्त होगी ये हीलिंग, अपने द्वारा कैसे होगी, त्याग करके, सैक्रिफाइस करके, प्रभु के शरण में, भक्ति में जाके, इमेजिनेटिव होके, किसी प्रकार के कंसल्टेंट, गुरु, अपने अंदर की सारी कलुषता हटा के, सारी वैमनस्ता हटा के, कई चीजों के जीवन में त्याग करके आप अपने आप को हील कर सकते हैं। इमेजिनेशन, बारहवां स्थान जो है वो आसमान का भी इमेजिनेशन का है, अगर उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है जो कि आप स्वयं हैं, तो कुछ ऐसे कार्य, कुछ ऐसे काम जिसमें आपकी इमेजिनेशंस काम करें, उससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। राइटिंग, पोएट्री, ड्राइंग, किसी भी प्रकार के ऐसे काम जिसमें आपकी सोच लगती हो, इमेजिनेशंस लगती हो, फॉरेन के द्वारा किसी को कोई कनेक्शन होता है, वहां से वो अपने आप को हील कर सकता है, अपना रास्ता जीवन में पा सकता है। बारहवें स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में छठे स्थान में बैठा हो, आपको हीलिंग कहाँ से प्राप्त होगी, डेली रूटीन काम करने में, सर्विस करने में, अपने जीवन के सारे षडरिपुओं को छोड़ देने में, त्याग देने में, लोगों के लिए हमेशा सर्विस करने में। आप भाई, आपको ऐसा कुछ कार्य करना है जिससे कि आप लोगों की सेवा कर पाए, वहां से आपको स्वयं की हीलिंग प्राप्त होगी, स्वयं आप उस प्रोसेस में अपने आप को ठीक करते चले जाएंगे। कुछ ऐसा कार्य जहां पे आपको नीड आपकी महसूस करी जाए, लोग चाहें कि भाई हाँ आपका प्रेजेंस वहां पे हो, आपकी जरूरत महसूस हो, उससे आपकी अंदर की स्वयं की हीलिंग होगी। रूटीन का काम, बिना रोक टोक किए हुए काम, एक जो चलता रहे, बिना टूटे हुए कोई काम जो चलता रहे, बारहवां स्थान का स्वामी छठे में है, आपको हीलिंग कहाँ से प्राप्त होगी, स्पष्ट सी बात है, लोगों की सेवा करके, सर्विस से, लोगों की हर प्रकार की सहायता करके, एक हैबिट बना के, एक डिसिप्लिन में जीवन जी के आप अपने आप को हील कर सकते हैं, यूं कहा जाए। तो देखिए, यहां से आप अपने आप को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं, हैप्पीनेस प्रदान कर सकते हैं, कहां से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप वो जान सकते हैं,
उससे आप अपने आप को मदद कर सकते हैं। और देखिए जो मैंने आपको बताया है, जो ये लॉर्ड्स जहां बैठे होंगे वहां से आपको ये भावनात्मक सुरक्षा प्रदान होगी, हैप्पीनेस प्रदान होगी, या वहां से आपको ट्रबल होंगी, वो मैंने वो भी आपको बताया है। और जो राशियां हैं इनसे रिलेटेड, कर्क राशि है, स्कॉर्पियो साइन है, मीन राशि है, ये भी देखिए इनके स्वामी भी जहां बैठे होंगे वो भी आपको वहां से वही चीज शो करेंगे। हाँ, इन घरों में भी जो प्लैनेट्स बैठे होंगे वो भी आपको देखिए इमोशनल हैप्पीनेस जो है, भावनात्मक सुरक्षा है, आनंद है, वो प्राप्त करा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चौथे स्थान का स्वामी मान लीजिए नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको कहां से वो हैप्पीनेस प्राप्त हो रही है। अब ऐसे में चौथे स्थान में आपकी पत्रिका में मान लीजिए बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो और आप समझ सकते हैं कि लोगों को किस प्रकार से भला करके एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि वो बृहस्पति है, नेचुरल धर्म के परिचायक हैं, गुरु हैं, सात्विक हैं, हर प्रकार के वो कार्य करने से भी आपको आनंद और सुख प्राप्त हो सकते हैं। जो भी फोर्थ हाउस में बैठा होगा वहां से भी आपको इमोशनल हैप्पीनेस प्राप्त हो सकती है, वो प्लैनेट भी आपको प्राप्त करा सकता है अगर हम उसके द्वारा बताए गए कार्य करते हैं तो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा उसकी राय मुझे अवश्य दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।